Start speaking, I want the entire crowd to kind of do that. क्या हाल है एलपी वालों? तुम्हें तो मास्टर नहीं कहता इसे ना पढ़ाना। पहले तो बताओ कोट पैंट कैसे लग रहे हैं? यार सारी बात एक बार में खर्चा हो गया कोट पैंट का। कर दिया जिम से लो, जिसको चाहे उसको लपेट दो। मुझे पता लगा भाई एलपी में जा रहा हूँ, बड़े प्यार का पहले आप सब चीज लाई लो। अब चिल्ला रहे थे ऐसे तो चिल्लाओ, मैं पीछे हो जाऊं थोड़ा सा। ना वीडियो डिसलाइक करो तुम मेरी। चलो कोई बात नहीं, सेठ होंगे सेठ, बनाना साहब से बाकी सब को कुछ दे। कहानी तो एक ही, मुझे पता लगा कि एलपीयू में जा रहे हैं तो मैं तो पहली बार कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, ये अब बिल्कुल नेचुरल कर रहा हूँ। पहली बार कुछ कर, हाँ साबा साबा, अरे बढ़िया। एलपीयू में जा रहा हूँ पता लगे, अब आया मैं, रुका हो आराम से अपना होटल में रुका। अब रात को मैं खाना वाना खा के, अब तुम्हें बताना मैं गंदी हालत टहलने की, तो सुबह दिक्कत आ जाती है। तो मैं आया, अब मैं घूमा अपना आराम से, घूम रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। अब भाई वहाँ पे सब मेरे से कहने लगे, भाई तुम्हारा तो स्वैग अलग है। मैंने कहा भाई स्वैग क्या होता है? स्वैग का मतलब, क्योंकि हमें तो एक ही पता, सीवान से गुजर। तुमने कौन सा स्वैग बोल दिया? तो कह रहे भाई ऐसे नॉर्मल बात बात, जब वहां पर जाओ ना थोड़ा सा भाई इंग्लिश विंग्लिश में कर देना, मामला है एवरीबॉडी डांस क्या कहते हैं, और एवरीबॉडी का नाम कौन जो भी है अपने दिमाग से पता है, ऐसी बात नहीं है इंग्लिश में आती आती है। कमल ये ऑपरेटिंग मशीन पार्टी वाली उसको टेक्निकल है, तो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है। चलती रही चलती रही, अब सुबह उठा दिया। अब मैं तो भाई सुबह तो सोचने लगा अपना पहुंच जाएंगे आराम से, अपने यहाँ तक का पहनेंगे कुछ, अरे टी शर्ट पहनेंगे। यार सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा बिहार, यार मुझे लग रहा है एक इंग्लिश वाली है घोड़ी बैठूंगा उस पर, और वहां अपना आराम से जाके पहनेंगे। जब मैं पहले मैंने भी जैसे तुम सब बारहवीं बार भी करी, मैंने भी बारहवीं करी, बारहवीं के बाद एक और रोग होता है ग्रेजुएशन, जो हम करते हैं और हमें पता होता है इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। तो ग्रेजुएशन में मैंने भी एडमिशन लिया, अब सब अच्छा ही चल रहा था, जैसे चलता रहता भाई नॉर्मल चल रहा है। यार वैसे मैं थोड़ा अटक गया एक बार, हो चुकी हमारे आसपास लोगों के ना, मैं मेरा मानना है कि जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, तो कोई इंडिविजुअल कोई भी बैठा है ना, उसके अंदर एक कैरेक्टर जरूर छुपा हुआ है, अपने आप में वो कैरेक्टर है। कोई एक लड़का ऐसा जरूर बैठा होगा, सच सच बताना, जो लड़की को देख के पूरा बदल जाता है। ये तुमसे ऐसे बोलता होगा, अरे अरे रोटी खाई हो जैसी लड़की जा रही है, एक्चुअली समवन फॉर वेटिंग नहीं आया, ये जरूर होता है। ये मेरा भी है वैसे, मैं भी ऐसी ही, एक मैं और मेरा दोस्त खड़ा था, तो मैं उससे बात कर रहा था कुछ ऐसी, तो मैं उससे कह रहा था यार 10 रुपए दे दे जो पुराने लिए थे, हिसाब किताब साथ बराबर करके चला कर, लास्ट टाइम छोले कुलचे खाए थे, हिसाब काट देता है, तो अपना ब्रेड पकौड़े में ऐड करा देता है, कुलचे काट देता है। मैंने देखा पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम्हारे भाई का स्वैग चेंज, स्वैग कौन से वाला, सी बॉन्ड से गुजर।
तुम्हारे भाई का सिलेक्शन, तुम्हारा भाई जैसी लड़की थोड़ी सी पास आ रही है, तुम्हारा भाई फॉर्म में बिल्कुल बुरा है यार, एक्चुअली हैपनिंग सम टाइम। और एक तुम्हारे भाई का है वो, लड़की भी आई, अब लड़की ने भी आते नहीं कहते क्या हाल है। तुम्हारा भाई फिर से चेंज, मन की वही हड्डी वही खाल है। तो भाई ऐसा एक कैरेक्टर जरूर रहता है, एक हमारे चाचा जी के लड़के हैं, उनकी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं सुबह सुबह उठा, उठ के मैं खड़ा हुआ अपना, सबसे पहले हमें जैसे सब उठते हैं तो दुनिया को पता नहीं क्या रहता है, भाई मेरे को तो दूध पीने की रहती है, दूध चिल्लाओ पहले, तो अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो सारे एक और। हमारा सिंपल सा हिसाब है, हमसे कोई पूछता है हमारे, तुम्हें पता है हमारे घरों में भाई शादी के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी वरुण पृथ्वी भाई की एंगेजमेंट हुई है, चलो भाई थाली छह प्लॉट काट दिए नोएडा में। क्या कह दी? फॉर्चुनर मिल रही है, बस उसमें बहस का नया आ रहा है। हमने परिभाषा बदल दिया है। कैसे? हाँ सारे यार एक और सुचिल्ला दो। हमने परिभाषा ये बदल दिया, लोग बाग जाते हैं, चार घर के पांच सदस्य हुए, पांच सदस्य जाते हैं कि भाई आज कहीं जाना है, अपना आराम से कहीं जाएंगे, कहीं पे वैकेशन बिता गएंगे, वो बड़ी गाड़ी मंगा लो, किराए पे कर लो या कर लो, हम बड़ी गाड़ी मंगाते हैं और आगे बिठा देते हैं ड्राइवर और पीछे भर देते हैं भैंस का नाल और बोल। यार तू बहुत बोल रहा है पर मुझे दिला रहा है, एक बंदा मुझे अपने जैसा चाहिए था सामने, और एक एक बात तुम लोगों में बड़ी अच्छी है जो मुझे सबसे अच्छी लगी, पता है क्या? सही बताऊं, लड़के ही चिल्ला रहे हैं। अच्छा सुनो, ये बात तो माननी पड़ेगी, लड़के थोड़ा कम चिल्लाते हैं। अब लड़के कैसे ढीले पड़े, यार तुम बुरा जल्दी मानते हो, ईगो पे बात सारी लेनी चलती है क्या? तो छब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आई जो बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से चली, वो क्योंकि जिम विम का बहुत बोलता है, जिम कि जिम करना है, ना डरे ना जिम करे, आ जाइयो जब मन करे। ये डरे जिम करे पुराना हो गया, ये ना तेरे भाई ने कर दिया जिम शुरू। अब थोड़ा सा मेरे लिए इतना ही काफी है, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊँ क्योंकि बोल भी ना पाता हूँ, तुम्हारे सामने पहली बार ही कर रहा हूँ। ना फूफा हमारा सांसद, ना चाचा हमारा विधायक,
नायक नहीं तो सफेद कुर्ता जूता है संतरी राजा बनाओ तो मंत्री धूम दौरे दादरी दादरी दौरे चेजा धूम दौरे दादरी दादरी दौरे चेजा प्रिंसिपल की लड़की ने कह रही मुझे बिल दिया गया बात
बात भी सुन लो मेरी, मुझे पता तुम मुझे इसी में पसंद करो। एक वीडियो भी बनाई मैंने, से नो टू ड्रग्स, डिसलाइक मारे तुमने। अभी और कहो भाई कॉमेडी करेगा, मतलब यार ये तुम्हारा क्या स्टाइल है। एक आदमी परसों कमेंट कर रहा मेरी एक वीडियो पे, भाई और एक्टिंग ज्यादा करेगा। मोदी जी ने डाल दिया देश में आफत आ गई है, अपना ध्यान रखना। तो वहां पे नेहा जैन का कमेंट आया है, नेहा जैन ने कहा मोदी जी आई एम विद यू, नीचे एक अंकुर जरूर होगा, आई एम ऑल्सो विद यू।